तो आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों जो तंत्र साधक है उस जो होते हैं उन लोगों के लिए। तो दोस्तों जो तंत्र की रचयिता भगवान शिव है और भगवान शिव को दोस्तों संपूर्ण रूप से देव माना जाता है। तंत्र शास्त्र में दोस्तों 6 प्रकार के कर्म का उल्लेख आता है। यह कर्म षटकर्म कहते जाते हैं दोस्तों, शांति, वशीकरण, स्तंभन, विदेशन, उच्चाटन और मारण। इस संबंध में दोस्तों तंत्र शास्त्रों में जो ज्ञान है उसमें सबसे पहले यही उल्लेख आया कि प्रत्येक साधक के भीतर एक आकर्षण शक्ति होती है। इसी आकर्षण शक्ति के आधार पर वशीकरण का संयोग होता है। वशीकरण तंत्र की सबसे जटिल क्रिया है दोस्तों, और जब साधक साधना के क्षेत्र में हृदय से उतरता है तो सफल हो ही जाता है। आज के लोग जो है दोस्तों तंत्र को जानना चाहते हैं, साधना संपन्न करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, पर जब साधना शिविर या तो गुरुधाम आकर तंत्र साधना को समझने की बात आती है या तो साधना सामग्री एकत्रित करने की बात आती है तब मोल भाव या तो लाभ हानि दिखने लगते हैं दोस्तों। साधना शिविर के समय दोस्तों अन्य काम, समय की कमी, धन का अभाव और असमर्थता का बहाना लगाकर मुक्ति पा लेते हैं। साधना शिविर में आ भी गए तो दोस्तों अभी देते हैं, तुड़ा कर देते हैं, जैसे बहाने करने लगते हैं कोई भी व्यक्ति है, या तो उधार करते हैं फिर देने का नाम नहीं लेते हैं दोस्तों, या तो दे देंगे कहकर जान छुड़ा कर चले जाते हैं। आप जरा सोचिए दोस्तों, आश्रम आपसे चलता है या आप आश्रम से चलते हैं? कहा गया है दोस्तों अल्पहारम बकुत ध्यानम, अर्थात कम खाना और बगुलों की तरह ध्यान लगाना अच्छे साधक का लक्षण है। अधिक खाना और अधिक सोना वह तांत्रिक तो क्या अच्छा इंसान भी नहीं बन सकता। वो अभाव में जीवन व्यतीत करते अपमानित जीवन जीते हुए इस संसार से जाता है दोस्तों।